हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे हैदराबादी खट्टी दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। और हैदराबाद में ये जो खट्टी दाल होती है ना, बहुत ही फेमस होती है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हैदराबादी खट्टी दाल की। तो यहाँ पे मैंने जो है ना, एक कप तुअर की दाल को आधा घंटा पहले ही धो के भिगा के रखा था। तो प्रेशर कुकर में मैंने ये दाल को डाल दिया और अब मैं इसमें डालूँगी एक टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब मैंने इसमें डाला तीन टमाटर। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, एक टीस्पून मैंने इसमें तीखा वाला लाल मिर्च डाला और एक टीस्पून मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाला। थोड़े से कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए और थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया मैंने इसमें डाला और 2.5 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया। बस अब इन सभी चीज़ों को आप कर लीजिए एक बार अच्छे से मिक्स। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे जो है ना, 3 विजिल दिला देंगे, क्योंकि दाल ऑलरेडी सोक की हुई है। तो 3 विजिल जो होती है ना, सफिशेंट होती है दाल को कुक होने में। तो अब 3 विजिल आने के बाद हम दाल को चेक करते हैं। तो दाल जो है ना, देखिए यहाँ पे अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हम इस दाल को जो है ना, अच्छे से मथनी से मथ लेंगे, जो वुडन मेशर होता है ना हमारा देसी स्टाइल वाला, उससे। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, बट हैंड ब्लेंडर से वो टेस्ट नहीं आता जो हैदराबादी खट्टी दाल, ट्रेडिशनल दाल होती है ना, वो वाला टेस्ट नहीं आता। बट हाँ, वो भी अच्छी लगती है। अगर आपके पास वुडन स्टिक नहीं है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। तो इसे मैंने जो है ना, अच्छे से मैश कर दिया। जितना आप अच्छे से मैश करेंगे ना, उतना ही इस दाल में स्वाद आता है। ये खट्टी दाल जो है ना, बन के बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप गर्मा गर्म खाइए ये खट्टी दाल चावल के साथ, बहुत ही बेहतरीन सा इसका स्वाद आता है। तो देखिए, इसमें जितने दाल के चंक्स थे ना, मैंने उनको जो है ना मैश करके इसका फाइन सा जो है ना मिक्सर तैयार कर लिया। और अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। हैदराबादी खट्टी दाल में मिर्च अच्छी खासी क्वांटिटी में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। और उसके बाद मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डालने वाली हूँ। मैं इसमें जो है ना, खड़ी हरी मिर्च ही डाल रही हूँ। मोस्टली इसमें खड़ी मिर्च ही जाती है। आप चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 1 कप इमली का जूस डाला है। मैंने यहाँ पे जो है ना, 15 मिनट पहले ही छोटा सा टुकड़ा इमली का पानी में सोख करके रखा था। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप कर लीजिए मिक्स। और ये वाली खट्टी की दाल को जो है ना, हम अगेन से एक तड़का देंगे और उस तड़के से ही इसमें जो है ना, डिलीशियस सा टेस्ट आएगा। और अब मैंने इसे जो है ना, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना, फिर से तड़का देंगे। तो तड़का देने के लिए मैंने तड़का पैन पे जो है ना, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, इसमें 1 टीस्पून मैंने जीरा डाल दिया। और जैसे ही जीरा थोड़ा सा तड़कने लगेगा, मैंने इसमें 2 चुटकी हींग डाल दी। और उसके बाद मैंने 6 से 8 कली लहसुन के लिए, जिसे रफली क्रश कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। लहसुन की कली को हल्का सुनहरा होने तक हम इसमें जो है ना, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो देखिए, लहसुन का कच्चापन भी चला गया और हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई लहसुन। और अब इस स्टेज में मैं इसमें 3-4 सूखी लाल मिर्च डालूंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हैदराबादी खट्टी दाल में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिर्च जाता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया डाल के दाल के ऊपर ये तड़का ऐड कर दिया। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये हैदराबादी खट्टी दाल, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी फ्रेंड्स, ज़रूर ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।